सर ये यही बैग है जो सर ये B2 के सीट पे था और ये सीट नंबर 5 और 8 नंबर सीट था उनका। आठ पे लैपटॉप इसमें दो लैपटॉप है ये रहा और एक इसके पीछे ही रहा दिख रहा दो दिख रहे हैं मेरे को। हाँ यस सर ये देखो यहाँ का सबसे मशहूर और फेमस समोसा है और बाकी खाने में टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। अभी बाकी भाई का ढाबा बहुत फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग को चिकन वगैरह खाना होता तो हम यहीं से लेकर के जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। नहीं कभी भी आप लोग वेटिंग टिकट ले तो कम से कम काउंटर वेटिंग ले। आज भी काफी लोग परेशान है, एक तो फैमिली है उनके साथ 6-7 लोग हैं, 2-3 बच्चे हैं। फ्रेश फूड देख सकते हैं आप, कटे हुए में सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं। वो गर्मी का सीजन आ गया तो ये चीजें खानी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों अभी जो हम लोग खड़े हैं, अभी मैं और मेरे बबलू मेरे साथ हैं और हम लोग अभी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये Gate No. 1 है, नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। और अभी जो हमारी ट्रेन है इंदौर इंटरसिटी, ये अभी नई दिल्ली पे पहुंची है। तो अभी जो हमारी ड्यूटी है वो इंदौर इंटरसिटी पे ही चल रही है और अभी जो हमारे बबलू भाई सुपरवाइजर चल रहे हैं तो इनको मैं थोड़ा बहुत काम वाम बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये नए हैं इस लाइन में, तो इनको थोड़ा बहुत काम बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरीके से रनिंग ट्रेन में काम को किया जाता है, सुपरवाइजर अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। तो बबलू भाई आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ दोस्तों आप लोग भी अगर अलग अलग ट्रेन पर जॉब कर रहे हैं तो अपने काम को बहुत अच्छे से करें क्योंकि हम जिम्मेदारी अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारी है ना वो अच्छे से निभाएं, क्योंकि आप लोग जो ट्रेन में चलते हैं तो जो पैसेंजर लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं हम स्टाफ लोग के भरोसे आते हैं, तो हम लोग को अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। तो दोस्तों अभी वीडियो की शुरुआत है और अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री, आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत नई दिल्ली का नज़ारा स्टेशन का, बहुत कुछ बन रहा है दोस्तों। आप लोग कभी भी आइएगा तो आप धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। बबलू भाई को भी थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन। अच्छा काम तो समझ में आ रहा है ना आपको प्रॉपर? लोग मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही लोगों से बातचीत करने में या फीडबैक लेने में ऐसा कुछ? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप ये लाइट का फोकस देख सकते हैं, अभी जो हमारे सामने है वो LED लाइट लगा हुआ है तो उसी का फोकस आपको, हमारा जो चेहरा है इतना लाइट बहुत आप देख सकते हैं, ये पीछे ही LED लाइट है। तो इस तरीके से अब पूरे नई दिल्ली स्टेशन को बिल्कुल बदल गया है और मेरे जो पीछे देख सकते हैं वो बिल्कुल पार्किंग एरिया है पीछे की साइड। तो अब मतलब पार्किंग एरिया को भी पहले से बढ़ा दिया गया क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आती है ना, और दिल्ली में तो आपको पता ही कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। बाबलू भाई यहाँ आपकी एक फोटो लेंगे बढ़िया सी। ये आप दोस्तों ये नई दिल्ली स्टेशन का आप लुकअप देख सकते हो, पहले के मुकाबले ये बहुत ही चेंज हो गया और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगा दी गई है ताकि जो लोग भी यहाँ पे आए तो उनको ये पेंटिंग देख करके थोड़ा बहुत आकर्षित हो, ताकि ये पेंटिंग रहती है तो आसपास का नज़ारा बहुत अच्छा है ना बबलू भाई। और ये आप ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर भी बहुत बढ़िया सी कारीगरी की गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ एंट्री कर रहे हैं और आप ये एंट्री साइड पे भी आप देख सकते हो आसपास ये पेंटिंग्स लगी हुई है, तो ऐसे पेंटिंग का माहौल रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। हम लोग मुझे तो बहुत पसंद है पेंटिंग। बबलू भाई आपको पसंद है पेंटिंग? और हमारे जहाँ मैं रहता हूँ मधुबनी, वहाँ के भी पेंटिंग बहुत फेमस है। कभी मुझे मधुबनी अभी जाऊँगा ना तो वहाँ के आपको दिखाऊँगा, वहाँ की मिथिला पेंटिंग इतनी फेमस है। तो अभी मैं बिहार जाऊँगा तो वहाँ का मैं ब्लॉग शूट करके लाऊँगा तो ज़रूर आपको दिखाऊँगा। जी दोस्तों हमारी गाड़ी का शेड्यूल दिया हुआ है 12416 चार नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी है। ये दोस्तों हमारा स्टाफ या तो ये पूरे टाइम ये फ़ोन पे बात करता है, या तो पबजी खेलता है, या पूरे टाइम ये फ़ोन पे बात करता रहता है। ये दोस्तों हमारी इंदौर इंटरसिटी ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है। दोस्तों अब हमारी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली जंक्शन से निकल चुकी है और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है हज़रत निज़ामुद्दीन।
ये हजरत निजामुद्दीन का स्टेशन है और अभी जो हमारी ट्रेन है वो हजरत निजामुद्दीन पहुंची है। आज तो बुरी हालत है, पूरी ट्रेन में बहुत पैसेंजर है और कई सारे लोग तो ऑनलाइन वेटिंग लेकर के आते हैं और परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन वेटिंग कैंसिल हो जाती है। दोस्तों कभी भी आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करें तो ऑनलाइन वेटिंग लेकर के ना चलें। अगर ऑनलाइन वेटिंग है तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है। कभी भी आप लोग वेटिंग टिकट लें तो कम से कम काउंटर वेटिंग लें। आज भी काफ़ी लोग परेशान हैं, एक तो फैमिली है उनके साथ 6-7 लोग हैं, 2-3 बच्चे हैं, उन लोग के पास ऑनलाइन टिकट है वेटिंग की, तो अब वो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन टिकट कैंसिल हो जाती है। आप लोग कभी भी ट्रैवल करें तो वेटिंग टिकट है तो आप कम से कम उसे काउंटर वेटिंग लें ताकि कम से कम आप ट्रैवल तो कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट में तो बिल्कुल कैंसिल हो जाती है और आप विदाउट टिकट कहलाते हैं, तो कभी भी आप हाँ उसमें आप डबल चार्ज लगता है, उसका फाइन नहीं बनता है। कभी भी आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों अब जो हमारी ट्रेन है वो निजामुद्दीन जंक्शन से निकल चुकी है और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है मथुरा जंक्शन, तो अभी मथुरा को आने में काफ़ी टाइम है। तो हमारी जो ट्रेन है अभी ये मथुरा जंक्शन पहुंची है और यहाँ पे भी 5 मिनट का हॉल्ट है और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वह है भरतपुर और उसके बाद है बयाना। दोस्तों अब जो हमारी ट्रेन है वो मथुरा जंक्शन से निकल चुकी है और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वह है भरतपुर, इसके बाद बयाना। भरतपुर स्टेशन आ चुका है अब और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है बयाना और हमारी जो ट्रेन में स्टाफ लोग चलते हैं यहाँ से अभी भरतपुर से आरपीएफ सर चलेंगे पूरी ट्रेन में और अभी दिल्ली से जो आरपीएफ सर आए थे वो मथुरा तक चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है बयाना, अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए, अब नाइट का सारा काम खत्म, जो भी हमें गाड़ी वाड़ी चेक करना था प्रॉपर तरीके से खत्म और जो भी बोर्डिंग है वो अपने अपने अटेंडेंट को बता दिया गया, यदि आगे से कोई बोर्डिंग होगा तो अटेंडेंट देख लेगा। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। दोस्तों अब हमारी ट्रेन जो है उज्जैन स्टेशन पहुंच चुकी है और यहाँ पे कई सारे पैसेंजर लोग उतरेंगे, जो भी ये महाकाल के यात्री आए हुए हैं बाद वो लोग यहाँ पे जाएंगे उज्जैन दर्शन के लिए। अब यहाँ पे कई सारे महाकाल के भक्त अब उतर रहे हैं। उज्जैन स्टेशन पे ये मैप लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं महाकालेश्वर का दर्शन का ये जितनी भी मैप है ये यहाँ प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। तो दोस्तों उज्जैन निकल चुके हैं और आज का मौसम थोड़ा बारिश वाला मौसम लग रहा है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है देवास, ये हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। उसके भी दोस्तों सारे पैसेंजर उतर चुके हैं आप देख सकते हैं और अब इस कोच की बेडिंग फोल्ड की जाएगी और आज थोड़ा बरसात जैसा मौसम लग रहा है बाहर। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है अब देवास स्टेशन पहुंचने वाली है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और इधर तो पूरा लगता है इधर बहुत पहले मतलब बारिश हुई है अभी और मौसम भी आज बहुत ही अलग है, बारिश का मौसम है। ये दोस्तों देख सकते हैं अब ये बारिश के मौसम में इधर तो बारिश की बूंदें पड़ रही है। हमारी ट्रेन अब देवास पहुंचने वाली है और हमारे जितने भी अटेंडेंट हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और भाई हो गया काम, हो गया। ये इस तरीके से जो जो यूज़ वाली बेडिंग है उसको इस तरीके से 50-50 की गांठे बना लेते हैं ताकि इसको जब लॉन्ड्री पर जमा की जाए जब बिल्कुल सही हो। और भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। ये दोस्तों एक बार बबलू भाई फीडबैक रीचेक कर रहे हैं। हमारा जो भी काम था सुबह का सब खत्म हो चुका है और अब जो है हमारी ट्रेन अभी इंदौर पहुंचने वाली है।
दोस्तों अब पूरी ट्रेन भी खाली हो चुकी है और आज तो इस ट्रेन में महाकाल के बहुत ज्यादा यात्री लोग आए थे। तो दोस्तों कभी भी आप लोग ट्रेन में ट्रेवल करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप लोग जो वेटिंग टिकट होती है आपकी वो काउंटर वेटिंग लेकर के चले, ऑनलाइन वेटिंग वाली जो टिकट होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो आज बहुत सारे ऐसे पैसेंजर थे जिनके पास ऑनलाइन काउंटर वेटिंग थी और उनकी टिकट कैंसिल हो गई थी, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि गाड़ी में सीट नहीं रहती और आपके साथ फैमिली रहती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ट्रैवलिंग के टाइम पर ध्यान रखनी है। इसलिए हमारे जितने भी स्टाफ लोग हैं सब लोगों ने अपना अपना काम खत्म कर लिया और हमारे जितने भी स्टाफ लोग हैं सब लोग अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और जितने भी पैसेंजर लोग होते हैं उनसे जब भी वो बातचीत करते हैं तो बहुत ही पोलाइटली बातचीत करते होते हैं। तो यही एक हैबिट स्टाफ के अंदर होनी चाहिए जब वो ट्रैवलिंग में होते हैं, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं तो कई सारे लोग पैसेंजर आते हैं, अलग अलग तरीके के पैसेंजर आते हैं, उनसे बातचीत करने का तरीका आपका बहुत ही पोलाइटली वे में होना चाहिए। यदि आप पोलाइटली वे में बात करेंगे तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप उनकी प्रॉब्लम सुनो और उसको सॉल्व करो। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें यदि आप ऑन ड्यूटी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। सर ये यही बैग है जो सर ये B2 के सीट पे था और ये सीट नंबर 5 और 8 नंबर सीट था, 8 पे इसमें 2 लैपटॉप है, एक ये रहा और एक इसके पीछे ये रहा दिख रहा, 2 दिख रहे हैं मेरे को। हाँ यस सर, 2 लैपटॉप है, 2 का फोटो खींच। तो ये सर जैसे ही मिला हमें वैसे हमने वहाँ से ले आया और इसको अपने पास रखे हुए है ना सर। अब ये वहीं पे आएंगे ना सर इंदौर में लेने के लिए? इंदौर में आएंगे अपने CNW वाले। अच्छा अच्छा, तो ये सेफली तरीके से हमारे पास है। अब ये जब भी आते हैं तो इस तरीके से कोई भी होता है तो हम अटेंडेंट या कोई भी हम लोग को मिलता है तो हम सामान सेफ रखते हैं ताकि जो लोग भी आए जिनकी सामान हो अगर हमसे कॉन्टैक्ट हो तो उनको दे सके हम, नहीं तो हम GRP थाने में जाके जमा कर देते हैं। अभी तो सर नहीं लेकर गया है, तो सर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है सर। क्या बात है अभी तो ये बारिश का मौसम हो रहा था पूरे दिन। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम नहाने के लिए उतर गए? ये हम सफर गाड़ी। तो अभी हम लोग SSC ऑफिस आए हैं साइनमेंट करवाने के लिए और यहाँ पे हमारे इस साइड तो हमारे स्टाफ है और इस साइड हमारे अलग गाड़ी के स्टाफ है। ये लोग कहाँ से आए हो भाई आप? मुंबई भाई, ये लोग मुंबई से आए हुए हैं, मुंबई का भी ये लोग इंदौर, यहाँ पे ये लोग 12-13 स्टाफ हैं, ये लोग भी हम लोग की तरह साइनमेंट करवाने के लिए आते हैं। तो मतलब जितनी भी जो लोग जर्नी कंप्लीट करके आते हैं वो यहीं पे साइनमेंट करवाते, देख रह सकते हैं आप सारे स्टाफ लोग हैं। और ये पीछे SSC सर का ऑफिस, तो जा रहे हैं हम भी साइन करवाने के लिए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे स्टाफ लोग यहाँ से खाना वाना पैक करवा रहे हैं, ये चिकन शॉप है और हम भी यहाँ से अभी चिकन पैक करवाने के लिए आए हैं। तुम क्या ले रहे हो भाई, रोटी करवा ली है पैक? रोटी ले रहे हैं, अरे क्या बात है, ये रोटी बहुत ही बढ़िया लगती है भाई। भाई का ढाबा भी दिखा रहा है, भाई का ढाबा तो दिखा दिए। पेमेंट कर दो, पेमेंट बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को चिकन उकन खाना होता तो हम यहीं से लेकर के जाते हैं, यहाँ के पूरे मार्केट का बहुत फेमस सारा स्टाफ लोग। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हो ये भाई भी चिकन, आपने बिरयानी पैक करवाई है। यहाँ का सबसे मशहूर और फेमस समोसा देखा, मीठा समोसा दिखाते हैं। चलो ये देखो, यहाँ का सबसे मशहूर और फेमस समोसा है और बाकी खाने और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो जो था ले जाए यहाँ से, हम भी यहीं से लेकर के जाते हैं मीठे वाले समोसे। हमारे लिए भी ये वाला पैक कर देना दो ये वाला पैक कर देना। खाने में अलग ही टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल सारा स्टाफ का खाना यहीं से जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई भी बिरयानी पैक करवा करके लेके जा रहे हैं। ये दोस्तों हमारा बटर चिकन रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं ये तवे में और ये भाई साहब बना रहे हैं हमारे लिए, रेडी कर रहे हैं बटर चिकन। बबलू भाई आज तो चिकन पार्टी चलेगी है, आज चिकन पार्टी, वो जितने भी स्टाफ लोग हैं वो बिरयानी लेकर के गए। आप लोगों को पता है हम यहाँ से जाते हैं बिरयानी खाते हैं, यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है हमें। और आज हम लोग चिकन की वैरायटी में आज हम चिकन पैक करवाने के लिए, चिकन रोटी चावल, वो आज सब सारे स्टाफ चिकन पार्टी कर रहे हैं।
ये हाफ हो गया। मसाले बिल्कुल डाल देना भाई, रोटी वोटी ज़्यादा है। अलग से भी कुछ करी वगैरह ले लेंगे भाई, 12 रोटी है, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कम से कम 4 लोग हैं हम तो, खाने ये क्या ग्रेवी ग्रेवी है ये? मटन चिकन। ये पूरी मेन्यू दोस्तों आप लोग को इस प्राइस में यहाँ पे मिल जाएंगे इस होटल में, ताजदार होटल। और चावल का कैसे पड़ जाएगा? हाफ हाफ थोड़ा चावल भी कर दो, प्लेट में डाल दिया ना, प्लेट बाकी रोटी हो क्या? दोने ले लेना, उसमें सामान डालने वाला। दोस्तों हम लोग को जो भी अपने लिए खाना वाना पैक करवाना था वो हम लोगों ने करवा लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। पूरी सैलेड बना बनाया प्लेट भाई, ये कैसे प्लेट है भाई? 20 रुपये 20 रुपये मिल गए, और सिर्फ जो जो हम बोले वो अगर डालोगे तो बिल्कुल जो जो आप बोलोगे वो बनाया जाएगा भाई, यहाँ पे स्पेशल आप जो बोलोगे वो बना देंगे। इसमें ठीक है यार, ये सब तो काम ही आ जाएगा। हाँ ऐसा करो, क्या खाना आपको? 20 वाली एक प्लेट कर दो आप, ये वाली, ये वाली देना। हाँ ये वाली कर दो। मसाला डालना भाई? हाँ मसाला डाल दो, पैक करना है इसको, लेके जाना काला नमक भी डाल देना। हाँ काला नमक भी डाल, हाँ काला नमक भी डाल दो थोड़ा, काला नमक भी डाल दिया पूरा मसाला। ये यहाँ पे दोस्तों फ्रेश फ्रूट देख सकते हैं, कटे हुए में सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं, और गर्मी का सीज़न आ गया है तो ये चीज़ें खानी चाहिए, ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। आपको जगह जगह ये स्टॉल मिल जाएगा आपको। दोस्तों अब हम अपनी ट्रेन पे पहुंच गए, और आप देख सकते हैं हमारे जो स्टाफ है वो प्रॉपर बेडी बेडिंग अपने अपने सीटों पे लगा रहे हैं। जो इस कोच के अटेंडेंट हैं राकेश कुमार, आप देख सकते हैं अपनी अपनी बेडिंग फटाफट लगा रहे हैं अपने अपने सीटों पर, ताकि जब शाम को ये ट्रेन चलेगी तो जब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं अपनी वीडियो डालता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग आप लोगों से जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।